हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका यूपीएससी जीआईसी लेक्चरर का रिजल्ट विज्ञप्ति। आयोग द्वारा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा दिनांक 19/9/2021 को एक सत्र में संपन्न हुई थी तथा प्रश्नगत परीक्षा में कुल 16 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि सभी 16 विषयों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 491,370 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। टोटल इसमें जो फॉर्म फिल किए गए थे 491,370, जबकि परीक्षा में कुल 156,957 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो कुल टोटल 156,957 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में चयन पद हेतु पुरुष शाखा में कुल 991 पद तथा महिला शाखा हेतु 482 पद शामिल हैं। उक्त पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 15,046 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इसमें टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं 15,046। मुख्य परीक्षा दिनांक 6/2/2022 को संभावित है, यानी इसकी जो मेंस की जो परीक्षा है 6 फरवरी 2022 को होगी। सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कतिपय विषयों में न्यूनतम अर्थांक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण कराए गए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, पर तथा आयोग कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध है। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित पदवार, श्रेणीवार, कट ऑफ अंक एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक संबंधी सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। तो ये जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं, ये रोल नंबर दिए गए हैं मेल वालों के लिए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई। तो किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यदि आप इस रिजल्ट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कट ऑफ की ओर चलते हैं। क्या कट ऑफ रह सकता है? एक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। सो गाइस, कट ऑफ बताने से पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल। 1/7/2020 से आपकी एज काउंट की गई थी। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी है 1473। पोस्ट नेम लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की मेल की जो पोस्ट है 991। कॉलेज जीआईसी और जीजीआईसी फीमेल की टोटल वैकेंसी है 482। आप लोग दे सकते हैं। तो रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, एक अनुमानित कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है 70+ कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है 65+ कट ऑफ जा सकता है। एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है 60+ तक कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी वाले जो बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ है 55+ तक कट ऑफ जा सकता है। उसी प्रकार से पीएच की बात करेंगे तो पीएच का जो कट ऑफ है 55+ तक कट ऑफ जा सकता है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।